नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल में आपका स्वागत। में राहुल ओझा आपके साथ। लैंड पोर्ट जॉब मामले पर बड़ी खबर है। सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर फैसला सुरक्षित रखा गया है। बता दें कि राउच एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। 24 अगस्त को अब कोर्ट फैसला सुनाएगा। 6 अगस्त को चार्जशीट दाखिल की गई थी। लालू तेजस्वी सहित 11 आरोपी इसमें बनाए गए हैं। शंकर आनंद हमारे साथ है, न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। शंकर, फैसला सुरक्षित रखा गया है सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर, क्या अपडेट? देखिए, जिस तरह से आज कोर्ट में दिल्ली स्थित राउ जोन कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई शुरू हुई है, और जिस तरह से 6 अगस्त को केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में जिस तरह से चार्जशीट फाइल किया गया था 11 आरोपियों के खिलाफ, जिसमें की लालू प्रसाद यादव जो पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, तो उनके खिलाफ भी उस चार्जशीट में उनका नाम आरोपी के तौर पर दर्ज है। इसके साथ ही बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का नाम भी उसमें है। तो इस मामले पे जो चार्जशीट दायर किया गया था, उस चार्जशीट पर संज्ञान लेने की तारीख थी, लेकिन इस मामले पे आज आगे की सुनवाई नहीं हुई है और अब इस मामले में अगली तारीख मुकर्रर कर दी गई है, जो 24 अगस्त को सुनाया गया है। तो 24 अगस्त को जब इस मामले पर जब कोर्ट संज्ञान लेगा, तो उस वक्त में उन तमाम आरोपियों को कोर्ट के सामने होना होगा, चाहे वो पूर्व केंद्रीय मंत्री लालू प्रसाद यादव या पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की बात करें, उनको भी कोर्ट के सामने खड़ा रहना होगा। और इसके साथ साथ जो अन्य आरोपी हैं जिनके खिलाफ चार्जशीट दायर किया गया है जांच एजेंसी ईडी के द्वारा, उनको भी कोर्ट के सामने खड़ा होना होगा और अपने कोर्ट में हाजिरी लगाना। इसके साथ ही जमानत से संबंधित जो याचिकाएं हैं या अन्य जो दस्तावेजी प्रक्रियाएं हैं वो कोर्ट के सामने होंगी। निश्चित तौर पे देखना लाजमी होगा कि उस दिन में जब कोर्ट संज्ञान लेगी तो क्या उस दिन आरोपियों के वकील के द्वारा इस मामले पर चार्जशीट की कॉपी भी जो है वो भी मांगी जाएगी। तो एक तरह से कह सकते हैं कि एक तरफ देखा जाए कि जांच एजेंसी सीबीआई के द्वारा कार्रवाई लगातार आगे बढ़ती जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जांच एजेंसी ईडी के द्वारा इस मामले पर शिकंजा कसने के लिए जो तमाम आरोपी हैं जिनके खिलाफ चार्जशीट दायर किया गया है या इससे पहले की जो चार्जशीट है उन चार्जशीट में भी जो अन्य आरोपी हैं उनके खिलाफ शिकंजा कसने की तैयारी जो है वो जांच एजेंसी के द्वारा की जा रही है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि 24 अगस्त की जो तारीख है वो बेहद महत्वपूर्ण है और उस तारीख को कोर्ट के द्वारा इस दायर सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान लेने का वो तारीख जो है वो मुकर्रर हुआ है। तो देखना लाजमी होगा कि उस दिन कोर्ट का ऑब्जर्वेशन क्या रहता है। बिल्कुल, जब इस सप्लीमेंट्री चार्जशीट बिल्कुल अब 24 अगस्त के फैसले पर नजर निगाह टिकी हुई। शंकर, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। बढ़ेंगे आगे। केंद्र सरकार ने बेटा में बनने वाले एयरपोर्ट के लिए 1413 करोड़ के राशि को स्वीकृत कर दिया है। एयरपोर्ट के बन जाने से न सिर्फ पटना एयरपोर्ट का दबाव कम होगा बल्कि इससे प्रदेश में निवेश भी बढ़ेगा और रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार के विकास की गाड़ी को और तेज रफ्तार देने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने पटना जिला के बेहटा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी के साथ साथ बनने में लगने वाली राशि भी स्वीकृत कर दी है, जिससे बेहटा में एयरपोर्ट बनने का रास्ता अब पूरी तरह से साफ हो गया है। शुक्रवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लग गई है। बेहटा में एयरपोर्ट बनने से पटना एयरपोर्ट पर भार कम होगा। बिहार को बड़ी सौगात, बेहटा में बनेगा न्यू इंटीग्रेटेड टर्मिनल। न्यू सिविल इनक्लेव के लिए 1413 करोड़ रुपए मंजूर। एएआई के प्रस्ताव को कैबिनेट ने किया मंजूर। 66,000 स्क्वायर मीटर में बनेगा टर्मिनल। सालाना 50 लाख यात्रियों के उड़ान की क्षमता। बेहटा एयरपोर्ट बिहार के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। लंबे समय से बेहटा में एयरपोर्ट बनाने की मांग हो रही थी, जिसे केंद्र से मंजूरी मिलने के बाद प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पीएम मोदी का धन्यवाद किया। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं कि बेहटा एयरपोर्ट का निर्माण का रास्ता साफ किया। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जमीन उपलब्ध कराने का काम किया और जो और भी बचे जमीन है उसको भी शीघ्र पूरा करने का काम बिहार सरकार करेगी। यात्रियों की संख्या बढ़ने से पटना एयरपोर्ट में काफी ज्यादा दबाव बढ़ गया है। ऊपर से यहाँ बड़े जहाज को उतरने में भी काफी दिक्कत होती है, जिससे सामान एक्सपोर्ट करने में भी काफी दिक्कत हो रही थी। जेडीयू का कहना है कि बेहटा में एयरपोर्ट बन जाने से न सिर्फ यात्रियों को सुविधा होगी बल्कि यहां से सामान एक्सपोर्ट करना भी आसान होगा और रोजगार भी बढ़ेंगे। देखिए, बिहार को इसकी जरूरत थी और बहुत दिनों से कहा जा रहा था कि एक ऐसा एयरपोर्ट हो
जहां कार्गो का काम हो सके, यहां से बहुत सारी सब्जियां हैं, बहुत सारी चीजें जो एक्सपोर्ट की जानी होती, परेशानी हो रही थी और हमारी सरकार ये डिमांड कर रही थी। मैं बहुत खुश हूं और बिहार के 13 करोड़ लोग खुश हैं। वहीं बीजेपी का कहना है कि एयरपोर्ट को मंजूरी देकर पीएम मोदी ने साबित कर दिया है कि बिहार के विकास के प्रति वो कितने गंभीर हैं। 1413 करोड़ रुपया निर्गत करके उन्होंने पुनः एक बार सत्यापित किया कि बिहार के प्रति माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कितने गंभीर हैं बिहार को विकसित राज्य बनाने के लिए। देखिए ना, बिहार में डबल इंजन की सरकार है तो बिहार को अब कितने पंख लग रहे हैं, कहां से कहां बिहार। निश्चित तौर पर बेटा एयरपोर्ट बिहार के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगा, जिससे यात्रियों को राहत तो मिलेगी ही, यहां निवेश की भी संभावना बढ़ेगी। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने इस पर पोस्ट कर केंद्र सरकार का आभार जताया। 1413 करोड़ की लागत से बनने वाले इस एयरपोर्ट को 2026 तक बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके बन जाने के बाद यहां रोजगार की संभावना बढ़ जाएगी और निवेश भी बढ़ेगा। इससे व्यापार करना तो आसान होगा ही, साथ ही काफी हद तक पलायन पर भी रोक लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। झारखंड में शुरू की गई बायोगैस तकनीक किसानों और महिलाओं के लिए वरदान साबित हो रहा है। बायोगैस प्लांट लगने से एक तरफ जहां गरीब परिवारों को आर्थिक तौर पर मदद मिल रही है, तो महिलाओं को धुएं में खाना बनाने से राहत मिल गई है। अब कोशिश की जा रही कि पूरे झारखंड में ऐसे प्लांट लगाए जाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिल सके। बायोगैस की तकनीक ने झारखंड की राजधानी रांची के बेड़ो प्रखंड के 14 गांव के पशुपालकों और वहां के ग्रामीण महिलाओं की जिंदगी पूरी तरह से बदल दी है। बायोगैस के इस्तेमाल से एक तरफ जहां पशुपालकों को हर साल 20 से 25 हजार रुपए की बचत हो रही है, तो वहीं महिलाओं को धुएं में खाना बनाने से भी मुक्ति मिल गई है। इस बायोगैस की तकनीक से बेड़ो प्रखंड के सैकड़ों घर के किसान धुएं से बच रहे हैं। किसान कहते हैं कि जब से बायोगैस उन्हें मिला है, तब से उन्हें आर्थिक रूप से तो मजबूती प्रदान हो रही है, इसके साथ साथ स्वास्थ्य लाभ भी उन्हें मिल रहा है। झारखंड मिल्क फेडरेशन NDDB और SPF की तरफ से बेड़ो प्रखंड के कटहल टोली, पुरियो, सेमरा, टिकरा टोली समेत 11 गांव में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 2 साल पहले बायोगैस तकनीक की शुरुआत की गई थी, जिससे आज इन गांव के करीब 1000 से ज्यादा घरों में बायोगैस की मदद से खाना बनाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के शुरू होने से महिलाएं काफी खुश नजर आ रही हैं और वो ना सिर्फ इस योजना की जमकर तारीफ कर रही हैं, बल्कि इससे उन्हें धुएं से होने वाली बीमारी से भी बचने का तरीका मिल गया है। ये दोनों गैस में यही अंतर है कि इस गैस के अपेक्षा ये गैस ज़्यादा ताव देता है, जिसकी वजह से जल्दी खाना बन जाता है और वो आसानी होता है कि जल्दी खाना बन जाता है तो हम लोग को अच्छा मतलब जल्दी हो जाता है ना। बायोगैस तकनीक ग्रामीण इलाकों में किसी वरदान की तरह साबित हो रही है। महिलाओं का कहना है कि गोबर से बनने वाले बायोगैस से फ्लेम भी तेज आता है और खाना भी जल्दी बन जाता है। हम लोग पहले लकड़ी से बनाते थे, लकड़ी खोज के लाते थे उसके बनाते थे तो धुआं हुआ होता था, सब बीमारी सबको डर लगता था। अब डर नहीं लगता है, गैस आया है तो हम इसे गोबर घोलते हैं और अच्छा से खाना बनता है। 2 साल पहले बेड़ो प्रखंड में इस बायोगैस तकनीक की शुरुआत की गई थी। महिलाओं का कहना है कि जब से बायोगैस तकनीक की शुरुआत हुई है, उन्हें गैस पर एक भी रुपया खर्च नहीं करना पड़ता है, जिससे आर्थिक तौर पर उन्हें काफी लाभ मिल रहा है। गोबर गैस से पहले गाय का गोबर जो होती है उसको हम लोग उठा के और घोलने वाला है वहाँ डालते हैं, उसके बाद वहाँ डालने के बाद पूरा घोर देते हैं और अगर सुविधा है तो गौमूत्र को हम लोग जमा करते हैं हम अपने वाला में, और गौमूत्र और पानी मिक्स जो गाय गोहाल से जो निकलती है ना उसी से घोल के डालते हैं, उसके बाद उसी से गैस बनती है। बायोगैस पर खाना बनाने से महिलाओं की जिंदगी में भी काफी बदलाव आया। पहले इन महिलाओं को खाना बनाने के लिए जंगल से लकड़ी चुनकर लाना पड़ता था। लकड़ी पर खाना बनाने की वजह से काफी धुआं होता था, जिससे कई तरह की बीमारी होने का खतरा भी बना रहता था, लेकिन बायोगैस ने उन्हें बीमारी और पैसे दोनों से राहत दिला दी है। बायोगैस किसानों को आर्थिक तौर पर काफी मजबूत बना रहा है। एक तरफ बायोगैस से किसानों को LPG पर पैसे खर्च नहीं करने पड़ते हैं, तो दूसरी ओर बायोगैस के वेस्ट को किसान अपने खेतों में खाद के रूप में इस्तेमाल करते हैं,
जिससे फसल की पैदावार बढ़ जाती है। साथ ही किसान इस वेस्ट को झारखंड मिल्क फेडरेशन को भी आसानी से बेचकर अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। बायोगैस का जो सैलरी हम लोग बोलते हैं, उसका वेस्टेज जो निकलता है उसको खेत में डालते हैं, उससे फसल अच्छा हो रहा है। डीएपी सब कम मात्रा में डालना पड़ रहा है और ग्रोथ बढ़िया है। उसमें फल सब भी अच्छा आ रहा है, एक तरह से ये पूरा नेचुरल तरह से हो रहा है इसमें। झारखंड मिल्क फेडरेशन का कहना है कि 100 गांव से बायोगैस प्लांट की शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर की गई थी, आने वाले समय में अन्य जगहों पर भी प्लांट लगाने की योजना है। किसान उसमें लाभार्थी क्या करता है, उसको गोबर मिला के उसमें बायोगैस में डालता है और उससे जो गैस निकलता है उससे वो खाना बनाता है। और बायोगैस लगने से, खाना बनाने से उससे उनको फ़ायदा ये हुआ कि जो जंगल से उनको लकड़ी लाने के लिए जाना पड़ता था उससे उनको मुक्ति मिली, उससे जो धुआं निकलता था उनको, जो स्वास्थ्य को नुकसान पड़ता था उससे उनको मुक्ति मिली, और उनका एलपीजी पे आने वाला खर्चा का बचत हुआ उनका। और उसके बाद जो उससे अपविष्ट निकलता है, जिसको हम लोग सलरी बोलते हैं, उससे क्या हो रहा है कि उसको मेधा डेयरी खरीद लेती है, झारखंड मिल्क फेडरेशन खरीद लेती है, उससे उनको अलग आमदनी हो रहा है, उसका भुगतान करती है जो 75 पैसे से 1 रुपये प्रति लीटर की दर से करती है। बायोगैस प्लांट लगने से गरीब परिवार की काफी मदद हुई है, खासकर महिलाओं को इसका फायदा सबसे ज्यादा हुआ है, क्योंकि अब उन्हें लकड़ी जलाकर खाना नहीं बनाना पड़ता। इससे पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुंचता है और बीमारी से भी बच जाती हैं। अगर पूरे राज्य में ऐसा प्लांट लगाया जाता है तो निश्चित तौर पर इससे गरीब परिवारों को सबसे ज्यादा लाभ होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। गंगा में बढ़ते जलस्तर के कारण बेगूसराय का निचला इलाका पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। लोग बचने के लिए पलायन करने को मजबूर हैं। बाढ़ का पानी इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि बेगूसराय के दर्जनों गांव के लोगों का जीवन दुभर हो गया है। ये रिपोर्ट देखिए। भारी बारिश और नदियों के बढ़ते जलस्तर के कारण उत्तर बिहार के कई इलाके में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। वहीं अब जलस्तर बढ़ने से गंगा नदी ने भी रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। गंगा में पानी का स्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है, जिसकी वजह से बेगूसराय में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। कौन पानी है ये? गंगा जी का पानी है, मुंगेर से आया है, फिर इधर गंगा जी है, इधर से भी पानी आया, मतलब चारों दिशा से पानी को घेर लिया गया, गाँव को घेर लिया गया। निचले इलाके में पानी का जलस्तर बढ़ने से लोगों का जीवन दुभर हो गया है। कई गाँव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। खास तौर पर जिले का बलियान मंडल के कई गांव पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। लोगों को जरूरत का सामान लाने में भी काफी दिक्कत हो रही है। खाने का साधन नहीं है, बैठने को भी जगह नहीं होगा स्कूल में, ना पानी है। सरकार से क्या मांग करते हैं आप लोग? रुपया कुछ नहीं देते सरकार, ना वो चाहिए, ना वो तो ना पहले तो ना चाहिए, वो करवा ना रुपया या पैसा। इस इलाके को देखिए, बलियान मंडल का पहाड़पुर तुलसी गांव, जहां चारों तरफ पानी ही पानी भरा हुआ है। यहां पिछले 15 दिनों से यही हालात हैं, जिसकी वजह से अब लोग अपने घर छोड़कर मवेशियों के साथ सुरक्षित स्थान पर जाने को मजबूर हैं। पानी भरने से इलाके के करीब 14,000 की आबादी प्रभावित है। गांव में पानी घुस गया, अभी कैसे आ रहे हैं? अपने नाव का व्यवस्था नहीं है, नहीं है तो बहुत दिक्कत हो रहा होगा। कहाँ जा रहे हैं आप? बाजार जा रहे हैं। तो डेली कितना दिन से पानी घुसा हुआ है गांव में? गांव हो गया 10 दिन से। इलाके के लोगों का जीवन बाढ़ के पानी ने पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है। लोगों का संपर्क बाजार से टूट गया है। दूसरी ओर प्रशासन की, स्थानीय लोग प्रशासन की उदासीनता से भी नाराज दिखाई दे रहे हैं। गाँव के मुखिया प्रतिनिधि का कहना है कि हर बार यही हालात होते हैं, जिससे लोग आर्थिक तौर पर टूट जाते हैं। गांव का स्थिति है, गांव में 50 घर भी डूब गया है मेरे पंचायत में। अच्छा। 50 और बथान जहां पर माल मवेशी बनता था वो भी लगभग सैकड़ों नुकसान हो गया, पानी चल गया। सरकार से गुहार लगा, सीओ साहब से गुहार लगा रहे हैं कि कम से कम पन्नी का व्यवस्था किया जाए। ऐसा नहीं कि इस इलाके में पहली बार बाढ़ का पानी घुसा है, हर साल कमोबेश यही स्थिति रही है, जिससे जान माल का भी नुकसान होता है। प्रशासन हर बार पानी रोकने का दावा तो करता है, लेकिन उसके दावे हर बार हवा बाढ़ के पानी में बह जाते हैं। वहीं ऐसी स्थिति से स्थानीय लोगों में भी काफी नाराजगी देखी जा रही है। बेगूसराय से संतोष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।
बिहार हमेशा से ज्ञान की भूमि रही है। यहाँ एक से बढ़कर एक ज्ञानी हुए जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। एक बार फिर बिहार की भूमि शिक्षा का अलग जगा रही है। एक तरफ जहाँ ज्यादातर लाइब्रेरी का हाल बेहाल है, तो वहीं दरभंगा के LNMU का लाइब्रेरी अब ई लाइब्रेरी एडवांस रिसर्च सेंटर बन गया है, जहाँ 250,000 से ज्यादा किताबें ऑनलाइन पढ़ी जा सकती है। ये रिपोर्ट देखिए। दरभंगा के LNMU विश्वविद्यालय के पुस्तकालय को विश्व स्तरीय बनाया गया है, जहां एक साथ करीब 200 छात्र बैठकर पढ़ाई कर सकते हैं। इस ई लाइब्रेरी में तमाम आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं, जहां छात्र किसी भी सब्जेक्ट की पढ़ाई आसानी से कर सकते हैं। सुविधाओं से लैस ई लाइब्रेरी। ई लाइब्रेरी में तमाम सुविधाएं मौजूद हैं। लाइब्रेरी में 100 कंप्यूटर लगाए गए हैं। 2.5 लाख किताब ऑनलाइन अपलोड किया गया है। करीब 200 छात्र एक साथ बैठकर पढ़ सकते हैं। ई लाइब्रेरी से छात्र छात्राओं को कोर्स मटेरियल तैयार करने में आसानी हो रही है। लाइब्रेरी में नई किताबें मौजूद हैं। छात्र छात्राओं को यहाँ कोर्स मटेरियल बनाने में आसानी हो रही है। यही कारण है कि लाइब्रेरी में हर दिन 150 से 200 की संख्या में छात्र पहुँचते हैं। कई ऐसे ऑनलाइन फैसिलिटीज और इंप्लीमेंट सेंटर से MOU करा करके ई कंटेंट का भी बहुत सारा उपलब्ध कराया गया है और ई लाइब्रेरी का भी स्थापना हुई है। निवर्तमान वाइस चांसलर SP सिंह थे, तो उन्होंने इनके मतलब इनका उद्घाटन किया था ई लाइब्रेरी का, जिसमें हमारे यहाँ 100 कंप्यूटर है और उसमें कई सारे ई कंटेंट भी हम उपलब्ध कराते हैं। यहाँ आने वाले छात्र छात्राएं भी काफ़ी खुश हैं। उनका कहना है कि यहाँ न सिर्फ पढ़ने का माहौल मिलता है, बल्कि यहाँ जो भी किताबें हैं उससे तैयारी करने में काफ़ी आसानी होती है। तो फिर यहाँ पे मतलब पास में है, तो यहीं पे आ जाया करती हूँ। और यहाँ का मतलब सब कुछ बहुत अच्छा है। यहाँ पे प्रोसेस और यहाँ का जो तौर तरीका सब कुछ बहुत अच्छे से स्टडी हो रही है। शांत माहौल है और काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में ये लाइब्रेरी यहाँ के छात्रों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। सरकार ने भी छात्रों को ध्यान में रखते हुए जिस स्तर का आधुनिक लाइब्रेरी बनाया है, उससे शिक्षा के स्तर में काफ़ी सुधार आने की संभावना है। दरभंगा से विपिन कुमार दास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। सावन के महीने में हर तरफ बाबा भोलेनाथ के जयकारे गूंज रहे हैं। कुछ ऐसा ही नजारा दिख रहा है जहानाबाद के सिद्धेश्वरनाथ मंदिर में, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु महादेव की पूजा अर्चना करने पहुंच रहे हैं। मगध के हिमालय पर बने इस मंदिर को बिहार का देवघर भी कहा जाता है, जहां सावन में हर दिन हजारों की संख्या में भक्त पूजा अर्चना करने पहुंचते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। सावन का महीना बाबा भोलेनाथ और उनके भक्त दोनों के लिए पवित्र होता है। कहते हैं सावन में बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने और जल चढ़ाने से शिव शंकर प्रसन्न होते हैं। और भक्तों की सारी मनोकामना पूरी करते हैं। एक ऐसा ही मंदिर है बिहार के जहानाबाद जिले में, जहां सावन में हर दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु बाबा के दर्शन करने पहुंचते हैं। इनका महत्व कहना है, इनका भी महत्व के व्याख्या करना है, साक्षात शंकर हैं। मगध का हिमालय कहा जाने वाला बराबर पहाड़ियों में स्थित भोलेनाथ का यह मंदिर प्राचीन मंदिरों में से एक है। 7वीं शताब्दी में बना यह मंदिर जहानाबाद से 28 किलोमीटर दूर मखदूमपुर प्रखंड के बराबर की पहाड़ियों में मौजूद है। यह सिद्धनाथ मंदिर है, जिसे शिव मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। इस मंदिर को बिहार का देवघर भी कहा जाता है, जहाँ सावन में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ता है। कहते हैं कि जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा और सच्चे मन से यहाँ जलाभिषेक कर महादेव की पूजा अर्चना करता है, भोलेनाथ उसकी इच्छा जरूर पूरी करते हैं। बराबर की गुफाओं में स्थित मंदिर कई मायनों में अहम है। गुफा का इतिहास और वास्तुकला ऐसी जिसे देखकर श्रद्धालु भोलेनाथ की भक्ति में खो जाते हैं। इस मंदिर में बिहार पर्यटन विभाग हर साल श्रावणी मेले का आयोजन करता है, जहां श्रद्धालुओं को कोई असुविधा नहीं हो, इसका पूरा ख्याल रखा जाता है। प्राकृतिक सुंदरता के बीच बना यह मंदिर कई रहस्यों से भरा हुआ है। बराबर की चार और नारायणजुनी पहाड़ की तीन गुफाएं यहां मौजूद हैं, जिसकी वजह से ये सदघर के रूप में दिखती है, इसलिए इसे सदघरवा गुफा भी कहा जाता है। विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में एक बराबर की गुफाएं
धार्मिक और ऐतिहासिक दोनों लिहाज से महत्वपूर्ण है। सावन के महीने में यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु बाबा सिद्धेश्वरनाथ को जल चढ़ाने आते हैं। बाबा की महिमा ऐसी है कि लोग मानते हैं कि यहाँ आने से उनकी मन्नतें पूरी होती हैं। महादेव के इस मंदिर में वैसे तो पूरे साल भक्तों की भीड़ लगी रहती है, लेकिन सावन के महीने में यहाँ श्रावणी मेला लगता है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। भक्तों का मानना है कि बाबा भोलेनाथ यहाँ आने वाले अपने भक्तों को कभी खाली हाथ नहीं भेजते हैं। जहानाबाद से राजीव रंजन बिमल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और चलिए ब्रेक का वक्त, जल्द वापस आते हैं।